हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री, यमुनोत्री, बागेश्वर, सरयू नदी समेत हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड के जल कलश का पूजन कर साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया। बता दें कि अयोध्या धाम में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का पीएम मोदी 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। इसके लिए देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में सीएम धामी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह दिन हमें लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हमारे लिए एक महापर्व है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने राम मंदिर का हल निकाला। हरिद्वार से नरेश तमर की रिपोर्ट। ये जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को हम सब के लिए जिसकी हमको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो पूरा हो रहा है और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान इसका अपना एक महत्व रहा है और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है वहाँ से जल लाया गया है और जो गंगा माँ है उसका उद्गम स्थान जो गंगोत्री है वहाँ से जल मंगाया गया है और जो सरजू है उसका जल जो है बागेश्वर से मंगाया गया है क्योंकि बागेश्वर जो है सरजू का उद्गम स्थान है। इसीलिए तीनों जल यहाँ ला करके यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है। मुझे वो दिन याद आता है जब सपा सरकार थी, जब हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडे बरसे थे। आज वो दिन है कि आज हम जो है राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और राम राम करते जा रहे हैं।